चार राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इन चार राज्यों में से तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सत्ता हासिल की। बीजेपी की इस सफलता का हर जगह जश्न मनाया गया है। इसी श्रृंखला में शहर के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर कूच करी है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने जनता का धन्यवाद किया और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है क्या, यह स्थिति मात्र भाजपा के लिए ही है क्या, ऐसा सवाल भी उन्होंने इस वक्त मौजूद किया। साथ ही साथ कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बावनकुए ने कहा कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा आज उनकी जगह जनता ने दिखा दी है। बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं मैं सभी राज्य की जनता और मतदाताओं को कि मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर एक बार तीनों राज्य में सरकार बनी। तेलंगाना भी हम लोग बहुत आगे चले गए हैं और ये जो है माननीय मोदी जी ने जो कांग्रेस पार्टी के 65 साल थे, जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबों का कल्याण की योजना नहीं बनाई, कभी 10 कलमी कार्यक्रम लाया, कभी 20 कलमी कार्यक्रम लाया, कभी 30 कलमी कार्यक्रम लाया, कभी गरीब आदमी का कल्याण नहीं हुआ। मोदी जी के 9.5 साल के कार्यकाल में आदिवासी समाज रहे, मागास वर्गीय समाज रहे, ओबीसी रहे, सभी समाजों के लिए, इस देश के लिए गरीब कल्याण, मध्यम वर्गीय कल्याण, देश का कल्याण करने के लिए मोदी जी ने जो काम किया, जनता का भरोसा मोदी जी के ऊपर है। और यह निकाल से स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी ने पनौती कहा था मोदी जी को, तो जो मोदी जी को आलोचना करेगा, जो मोदी जी की आलोचना करेगा, उसको जनता नहीं छोड़ेगी, जनता सबक सिखाएगी, यही यह निकाल का आपको दिखेगा। इस मौके पर ढोल नगाड़े बजाकर, पटाखे फोड़कर जीत का जश्न बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई तो महिला पदाधिकारियों ने भी फुगड़ी खेलकर जीत की खुशी मनाई। इसी तरह यह विश्वास भी जताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में जो है चुनाव जो है संपन्न हुए, आज उसके नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी को जो है तीन राज्यों में भारी बहुमत मिला है। और हम देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यालय में यहाँ हम देख रहे हैं कि जल्लोष मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़ कर, ढोल नगाड़े बजा कर और मिठाई बांट कर ये जल्लोष मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो है यहाँ के विधायक है, हम उनसे जानेंगे कि क्या बताओगे जीत के बारे में क्या बताओगे। भारत के पंत प्रधान श्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, उनके वजह से आज ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है और उसमें सबसे ज्यादा हाथ मतदाताओं का है। इसलिए आज जीत उम्मीदवारों की नहीं तो मतदाताओं की हुई है और ऐसे मतदाताओं ने हमको वोट देकर जो जीत हासिल की है, इसलिए मतदाताओं को मैं विशेष अभिनंदन करूंगा। और ये भी देखा जा रहा है तेलंगाना में सीट भी बढ़कर आई है, क्या बताओगे इसका, क्या कहना चाहोगे? देखिए तेलंगाना में पिछले वक्त सिर्फ एक सीट थी, आज इस बार बड़ी है, ऐसे धीरे धीरे बढ़कर, पहले देश में सिर्फ दो बीजेपी की खासदार थे, आज कितने सारे खासदार है। आने वाले 24 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 100% आएगी, ऐसा हमको सबको विश्वास है। देख रहे हैं कि जीत का जश्न जो है मनाया जा रहा है और जीत का उत्साह आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इनमें पूरा उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हो कि जिस तरह से यहाँ पे जो है ढोल नगाड़े बजाकर, नाच गाने कर ये जो है जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न, जीत का जल्लोष जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, मिठाई बांट कर यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ जल्लोष मनाया जा रहा है। अब हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने अभूतपूर्व जीत हासिल की है, विरासत को तो संजोया है, विकास भी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास भी जीता है। ये तो अभी झांकी है और लोकसभा भी बाकी है। देख है कि उत्साह जो है जोश जो है जश्न दिखाई दे रहा है।
ये तो अभी झांकी है, लोकसभा अभी बाकी है, ऐसा भी यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।